नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार ठेकेदार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। तो आज हम बताऊंगा आपको कि बड़े बड़े बिल्डिंग जो 10 तल्ला 12 तल्ला बड़े बड़े बिल्डिंग जो बनते हैं उसमें कैसे उनका कॉलम का जो होता सोल कैसे बनाया जाता है। तो अभी ये देखिए, ये BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये किसी कंपनी का है। तो ये देखिए सोल बनाया जा रहा है, कॉलम के लिए सोल कैसे बनता है। ये देखिए एक नीचे जाल है एक ऊपर जाल है। ये भी देखिए कॉलम बनाया जा रहा है, कॉलम का जो सरिया है 20 mm का पूरा है, इसमें पूरे सरिया 20 mm का है। ये कॉलम को बांध रहे हैं, कॉलम का जो छड़ होता है रिंग सरिया होता है उसको बांध रहे हैं इसमें। ये देखिए एक ऊपर जाल है, ये जो जाल है ना ये पूरे 16 mm का जाल है, 16 mm का पूरी सरिया है इसमें। एक जाल ऊपर है एक जाल नीचे है और दोनों जाल के बीच की दूरी 2.5 फीट है, ठीक है। ये देखिए कॉलम का 20 mm का सरिया है। तो ये देखिए दोनों के बीच जो जाल है, दोनों एक नीचे जाल है एक ऊपर जाल है, दोनों के बीच की दूरी मतलब 2.5 फीट है, मतलब ये करीब 3 फीट मोटा ढलाया इसको ढाला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितने मटेरियल लगेंगे, ये करीब 3 फीट में मोटा ढाला जाएगा। ये सोल बनाया जा रहा है अभी, इसमें भी जगह जगह अभी कॉलम को फिट किया जाएगा। इसको बांधने के बाद इसमें जगह जगह कॉलम का जो सरिया है उसमें फिट किया जाएगा। ये देखिए अभी दिख रहा है बगल में कॉलम का सरिया, कॉलम के लिए निशान लगाया हुआ है कि कॉलम कहाँ कहाँ खड़ा किया जाएगा। ये देखिए छोटे 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 दिया है निशान ना, तो ये कॉलम का, ये कॉलम के लिए है कि यहाँ पर कॉलम खड़ा किया जाएगा उसके लिए ये बनाया गया है। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब के बेल आइकन बटन में उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।